न्यूज पर व्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बेहतरीन बैंक से जिसके नतीजे आए हैं इस वीकेंड पर और दमदार नतीजे पेश किए हैं IDFC फर्स्ट बैंक है। मैं आपके सामने जल्दी से एक बार नतीजे रख दूं और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट से हम करेंगे मुलाकात। नेट इंटरेस्ट इनकम में 31% से ज्यादा की दिखी है बढ़त और मुनाफा भी 35% बढ़कर आया है। प्रोविजन में 25% की बढ़त दिखी है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती आई है और साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.32% पर स्टेबल रहे हैं। जो खास दमदार एक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है लोन ग्रोथ जो कि 26% की है और डिपॉजिट ग्रोथ 44% की आती हुई दिखी है। तो ये है कुछ बेसिक डेटा जो मैंने आपके सामने रखे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजों को लेकर। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के MD और CEO वी वैद्यनाथन सर और साथ ही CFO सुधांशु जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से IDFC फर्स्ट बैंक ने जो दमदार परफॉर्मेंस इस तिमाही में दिखाई है सर आप दोनों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वैद्यनाथन सर सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि जो डिपॉजिट और लोन के ग्रोथ के नंबर्स हैं डिपॉजिट ग्रोथ आपकी 44% है लोन ग्रोथ 26% है इंडस्ट्री में सबसे लीडिंग है मेरे ख्याल से जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मैंने देखे उनमें से हाईएस्ट है। क्या ऐसा खास काम आप कर रहे हैं किस वजह से ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी जरा ये समझाएं। एक्सपीरियंस है कि जब एक एंटिटी ब्रांड बनता है ब्रांड कम नॉर्मल ब्रांड तो उसको ब्रांड बनता है तो उसमें एक अट्रैक्शन आता है कस्टमर्स के पास। तो लास्ट फोर फाइव ईयर हमारे बैंक में बहुत अच्छा ब्रांड बन गया एंड मोस्ट मेनी पीपल नो अबाउट इट और हमारे बैंक का इमेज बहुत अच्छा है इट्स अ गुड बैंक क्लीन बैंक एथिकल बैंक एक ये ब्रांड का डिपॉजिट अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि हम लोग कस्टमर सर्विस पर फोकस करते हैं ब्रांचेस को कॉन्टैक्ट सेंटर्स में ना जब हम बैंक कस्टमर सर्विस को विजिट कर रहे हैं ये दो चीजें ब्रांड हो और सर्विस हो उनका अपना ग्रोथ जो ही है 44% आई थिंक इट्स very strong growth on the deposit side. And a bank is raw material deposits here. And deposits are allocated to the bank and the future state. एब्सोल्युटली तो डिपॉजिट 44% की ग्रोथ और वाकई में सही कह रहे हैं आपके बैंक्स के लिए रॉ मटेरियल मनी और वो डिपॉजिट से ही आता है। सुधांशु जी साथ साथ प्रोविजनिंग में भी थोड़ी सी बढ़त दिखी है 25% के आसपास की इसकी क्या वजह है और ये भी बताएं कि किस तरह के स्लिपेजेस रहे इस तिमाही में। धन्यवाद क्वेश्चन के लिए। प्रोविजन इस क्वार्टर में 25% बढ़े हैं बट आप देखेंगे हमारी लोन बुक भी 26% बढ़ी है YoY बेसिस पे। क्रेडिट कॉस्ट अगर देखें जो कि राइट इंडिकेटर है वो इस क्वार्टर के लिए अबाउट 1.19% है Q1 में भी लगभग उसी लेवल पे था तो प्रोविजन काफी स्टेबल रहे हैं राइट। तो ये जो आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज दिख रहा है ये बिकॉज लोन भी बढ़ी है बट क्रेडिट कॉस्ट लेवल और एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है। आपने देखा होगा हमारे GNPA रेशियो लगातार क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूव हो रहे हैं। हम मार्केट में SMA-1 और SMA-2 डेटा भी पब्लिश करते हैं जो कि प्री NPA स्टेज है। आप उसमें भी देखेंगे तो हमारे नंबर्स कम हुए अभी सिर्फ 0.77% SMA-1 और SMA-2 हो गए हैं। तो एसेट क्वालिटी जो बिल्ड हो रही है मैं बोलूंगा काफी बेहतरीन है काफी स्टेबल है तो क्रेडिट कॉस्ट भी काफी कंटेन्ड है। आप कह रहे हैं कि अनलाइक इंडस्ट्री में जो मैं देख रहा हूं दूसरे छोटे बैंक्स हैं या फिर NBFCs हैं उनके लिए क्रेडिट कॉस्ट मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है IDFC फर्स्ट बैंक की क्रेडिट कॉस्ट एकदम मेंटेन रही है। हमारे बैंक ऑफ बैंक 12 साल से हमारी अंडररैकिंग प्रैक्टिस है मतलब एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं 14 साल से उसमें जो स्पेशलाइजेशन आ जाती है हिस्ट्री देख लीजिए कभी भी आपको दिखेगा नहीं कि ग्रॉस NPA कोई अराउंड 2% रहता है और नेट एनपीए 1% रहता है। अभी तो 2 भी नहीं है अभी तो 1.53 है ग्रॉस और नेट 0.5 है तो 0.52 है। तो मुझे लगता है कि ये आपने 12 साल में हर तरह की साइकिल देखी है 2010-14 में वो था 2016 में इलेक्शन हुए थे डिमांड हुआ था 2017 में देसी वाला तो 5-6 साइकिल्स इंडस्ट्री। वैद्यनाथन सर आपने अपने जो भी प्रेजेंटेशन में भी एक बात कही कि ओवरऑल जितनी डिपॉजिट्स है IDFC बैंक के पास में अभी फिलहाल 0.85% 1% से कम का मार्केट शेयर है और आप इसमें और बढ़ोतरी करना चाहते हैं किस तरह से करना चाहते हैं क्या स्ट्रेटजी और क्या आपका टारगेट है कितना शेयर होना चाहिए। अभी तो इस बैंक को मैंने देखा कि ग्रोथ उस बैंक का 20% 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
कभी कंपनी करना स्टडी रेट पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करना एंड उस टाइम में देखा जाए तो अभी तो 0.8% ऑफ डिपॉजिट जो मार्केट है अमेरिका वास्ते 51% से भी कम है ठीक बात है। सुधांशु जी, एक सेगमेंट ऐसा है जिसको लेकर कई आजकल चर्चाएं चल रही, पर्सनल लोन सेगमेंट को लेकर, ये समझाएं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में पर्सनल लोन का हिस्सा कितना है, क्या कोई वहाँ ऐसे कोई चिंता की बात है कि कहीं वहाँ एनपीएस बढ़ रहे हैं या कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अभी थोड़ा जिक्र चल रहे हैं ब्यूरो के डेटा में कि स्मॉल पर्सनल लोन जो कि लेस देन 50,000 रुपीज है उस स्ट्रेस देखते हुए दिख रहा है। हमने तो प्रोएक्टिवली प्रेजेंटेशन में भी दिया है कि हमारी बुक बहुत ही छोटी है, सिर्फ 540 करोड़ है और ये हमारे टोटल एसेट्स फंडेड एसेट्स की 0.3% है। यहाँ पे हमें क्रेडिट ड्यूरेशन भी नॉर्मल बुक की तरह मतलब ठीक ही दिख रहा है, ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं दिख रहा हमने यहाँ पे। सो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। हम लोग जिसके वैद्यनाथन जी बोल रहे थे कि हम लोग क्रेडिट असेसमेंट में काफी कंजर्वेटिव है, हमने काफी टाइटनिंग भी की अभी नॉर्म्स की और हम भी करते रहते हैं क्वार्टर क्वार्टर, तो हम बहुत वॉचफुल हैं पूरे पोर्टफोलियो के, हम कॉशियस हैं और हम जो आपको बोल रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट हम गाइडेंस जो दे रहे हैं हम मेंटेन कर पाएंगे, हम 1.5% इनफैक्ट बोल रहे हैं, H1 पे 1.9 का है हमारा जो अनुमान है कि H2 में भी हम क्रेडिट कॉस्ट कंटेन कर पाएंगे, काफी स्टेबलाइज कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक और स्पेस है वैद्यनाथन सर, जहाँ पे आपसे राय लेना चाहता हूँ, एग्री और स्मॉल लोन्स की, क्या यहाँ किसी तरह के कोई स्ट्रेस हैं, यहाँ किस तरह की डिमांड है, माहौल कैसा है इस सेक्टर में, ये जरा समझाएं सर। छोटा आंसर की स्ट्रेस तो कुछ नहीं है बहुत अच्छा फंड है, जब बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.5 है, नेट एनपीए 0.5 है, ना तो कैश का नंबर बहुत सपोर्ट। ठीक बात है, पोर्टफोलियो क्वालिटी की बात हो गई। मोर इम्पोर्टेंट जहां तो मैं देखता हूँ, आप ये बात मानिए कि रूरल इंडिया है, अभी आजादी को 70-75 साल हो गए हैं लेकिन रूरल इंडिया में बैंकिंग सेक्टर की पेनिट्रेशन बहुत कम है, जितना रूरल मार्केट में जाए उतने खाली जगह है, सो उतने कोई ग्रोथ की कमी है ही नहीं एंड तो मारामारी भी नहीं है, देखो तो जल्दी करना ज्यादा करना मार्केट शेयर बढ़ना ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना भी ग्रो होता जाएगा बहुत है। मतलब अगर 8-10-20 साल अगर आप देखते हैं रूरल इंडिया में ग्रो होता जाएगा, बैलेंस है। सर एक और चीज़ जो आपने प्रेजेंटेशन में कहा कि आप सेविंग बैंक पे कुछ 1 लाख रुपए से कम की जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट 3% तक लाना चाहते हैं, तो क्या इसका कोई असर आपके कासा पर पड़ेगा और ये किस तरह से लाएंगे और फिर मार्केट में आपकी पोजीशनिंग कैसे होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए डिपॉजिट कमिंग सो फार 44 करते हैं तो हमें लगता है कि अगर हमने एक्चुअली बैंक का इमेज और ट्रस्ट और विजिबिलिटी तो स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो हमें लगता है कि जो बड़े बैंक हैं आप ICICI, HDFC और इस तरह के बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इतना देते हैं सेविंग रेट पे 3% देते हैं, तो हमने पहली बार ये कदम लिया है कि 0-1 लाख हम 3% देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट हमारे बैंक में कि हम लोग ये फाइंड द स्टेचर ऑफ बी एन इंटरप्रेन्योर थ्री और हमें लगता है कि डिपॉजिट अभी भी आ रहे हैं बैंक के, तो अच्छी बात है। थैंक्स थैंक्स टू द पब्लिक, इतना ट्रस्ट है हमारे बैंक के अंदर, एक बैंक के लिए ठीक बात है सर, ट्रस्ट तो है तभी इतनी दमदार परफॉर्मेंस आपकी बैंक की आती हुई भी दिख रही है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस शानदार तिमाही के लिए, अगली तिमाही में आपसे फिर से मुलाकात होगी। वैद्यनाथन सर, सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को नतीजों के बारे में विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।